हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समीपवर्ती वेरा वीलपुर में पालरी एम ग्राम पंचायत क्षेत्र के वेरा वीलपुर के पास वाहन की टक्कर से गौ माता की दर्दनाक मौत हुई। पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था होती तो शायद हम उसे समय पर गौशाला पहुंचा पाते, लेकिन इसमें सड़क पर ही अपने प्राण त्याग दिए। ओम श्री गजानन सेवा समिति पालरी एम अध्यक्ष मंगल कुमार मीना सहित वेरा वीलपुर गांव से अन्य को भक्तों ने सड़क पर पहुंचकर गौवंश के प्राण बचाने चाहे, पर रोजाना किराए के वाहन कभी कभार नहीं भी मिल पाते हैं। ऐसे में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि 2015 से लेकर लगातार पशु एम्बुलेंस की मांग हो रही है, लेकिन ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना केंद्र सरकार राज्य सरकार सुन रही है। टोल प्रशासन नियमों का हवाला देकर मामले को टाल रहा है। इसी प्रकार से रोजाना पशु काल का ग्रास बन रहे हैं। डिवाइडर पर लोहे की जाली सड़क के आसपास होनी चाहिए, वो भी व्यवस्था नहीं होने के कारण गौ माता काल का ग्रास बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी खून से खत लिखकर अवगत करवाया, पर अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया है। ऐसा क्यों? वोटों की राजनीति करनी होती है तो दोनों ही पार्टियां गौ माता की जयकारे लगाती हैं, गौ माता की तिलक लगाती हैं, पर वास्तव की स्थिति फोन लाइन पर अभी क्या बनी हुई है शायद नेताओं की आंखों तक नहीं पहुंचा है, और सोच रहा है तो शायद आंखें बंद करके बैठे हैं, इसलिए इनको ये दुर्घटना ही नहीं दिखाई दे रही है। रोजाना पशु सुबह से शाम तक होते रहते हैं, इलाज के अभाव में काल का ग्रास बनते हैं। ओम श्री गजानन सेवा समिति द्वारा युवा टीम घटनास्थल पर पहुंचती है, स्वयं किराए के वाहन की व्यवस्था कर घायलों को गौशाला भेजा जा रहा है, पर दुर्भाग्य की बात ये रहती है कि निजी वाहन भी समय पर नहीं मिलते हैं। ऐसे में पशु काल का ग्रास बनते हैं। जिम्मेदारी टोल प्रशासन कब उठाने के लिए राजी होगा? 1 घंटे की देरी के बाद कॉल द्वारा क्रेन भेजी गई, उसके मार्ग पर गौ भक्तों ने मदद की और गाय को सड़क से दूर रखवाया गया है। टोल कर्मियों ने कहा है कि जेसीबी के मार्फत गड्ढा खोदकर अंदर डाला, पर टोल प्रशासन के पास भूलभूत सुविधा का अभाव है। कई बार जैसे बीवी समय पर नहीं पहुंच पाती है तो दुर्घटनाग्रस्त मृत पशु के पास हजारों की संख्या में पशु एकत्रित होते हैं और कई हादसे हो रहे हैं। टोल प्रशासन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। इस दौरान उमेद सिंह सिसोदिया, हिम्मत राम, राजेंद्र सिंह, पृथ्वीराज सिंह, बैरो सिंह राठौड़ सहित अन्य गौ भक्त समाज सेवी मौजूद रहे। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।